सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल क्या है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए कहाँ और कैसे आवेदन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होने वाला हो या उसे ऐसा लगता हो कि उसे किसी झूठे केस में फंसा कर गिरफ्तार करवाया जा सकता है तो ऐसे में जेल जाने से बचने के लिए वह कोर्ट से पहले ही जमानत लेता है जिसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाए। अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है एफआईआर होने से पहले और दूसरा होता है एफआईआर होने के बाद। चलिए हम लोग बारी बारी से ये दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगे कि उस पर कोई व्यक्ति झूठा एफआईआर दर्ज करवा सकता है या फिर झूठा एफआईआर दर्ज करने का योजना बना रहा है तो कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि यदि कोई व्यक्ति इस पर किसी तरह का एफआईआर कर दे तो इसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं एफआईआर करने के बाद। यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो हो सकता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार भी कर ले, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कोर्ट में दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किया गया एफआईआर झूठा है तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो आप आवेदन देंगे उसमें ये बात को भी दर्शाना होगा कि आपके ऊपर किया गया एफआईआर झूठा है। साथ ही आपके पास ये एफआईआर को झूठा साबित करने के लिए कोई साक्ष्य है तो वो भी आपको आवेदन के साथ सबमिट करना चाहिए। साक्ष्य के तौर पर आप कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर कब साक्ष्य के तौर पर मान्य होगा और कब साक्ष्य के तौर पर मान्य नहीं होगा, इस टॉपिक पर पहले ही मैंने वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इधर आपको आई वाले बटन में भी मिल जाएगा। साथ ही जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा वो वीडियो आपको इधर दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जिस व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा रहता है उसे आसानी से एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है, लेकिन कोर्ट को यह बात विश्वास दिलाना होता है कि एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद किसी गवाह या केस का इन्वेस्टिगेशन में वह किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं डालेगा। एंटीसिपेटरी बेल में खासकर केस आयो और सरकारी वकील आपका ज़्यादा विरोध करे तो फिर आपको अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है जो आपका वकील आपको कोर्ट में पेशी होने से पहले ही बता देंगे। यदि आप कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं तो आपको वकील के द्वारा ही फाइल करवाना होगा, तो इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ मैं नहीं बता सकता हूँ वो आपको वकील वहाँ बता देंगे। यहाँ मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है, इस पर कुछ ऐसा भी पॉइंट है जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है जो नहीं मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, तो वो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। साथ ही यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक है, आप उस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको डिटेल में हर बात लिखा हुआ मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।